जयपुर से कोरोना वायरस को लेकर आज अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आज रामगंज के इलाके से एक साथ 26 से अधिक पॉजिटिव केस सामने आए। क्या हमें लगता है कि रामगंज वापस से हॉट स्पॉट बनने जा रहा है? क्या हमें ये भी लगता है कि चार दीवारी के बाजार में जो छूट दी है वो गलत थी? इन सभी सवालों के जवाब हमारे पास नहीं है, क्योंकि जयपुर वासियों के मन में ये सवाल काफी दिनों से चल रहे हैं और निश्चित रूप से ये स्वाभाविक भी है। प्रशासन पूर्ण रूप से मुस्तैद है, सरकार लगातार लोगों को जागरूक कर रही है, लेकिन जिस प्रकार आज सुबह 10:30 बजे तक जयपुर में 61 मरीज आए हैं, वे आने वाले समय के लिए चिंता का विषय है। इस विषय पर हमें स्वयं को ही आत्मचिंतन करने की जरूरत है, क्योंकि हम खुद इस बात को समझें कि कोरोना एक ऐसी महामारी है जिसका अभी तक कोई इलाज नहीं है। कोरोना वायरस ने बड़े बड़े देशों, यहाँ तक कि विश्व की महाशक्ति तक को हिला दिया। सरकार ने लगभग 3 महीने तक लॉकडाउन करके हमें ये भी समझा दिया कि हमें कोरोना को साथ में लेकर चलना है, लेकिन सावधानियां भी बरतनी है। और आज हम भी आपको यही बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आज जयपुर में 61 केस सामने आए हैं, वे काफी चिंता का विषय है। हमें अभी भी जरूरत है सोशल डिस्टेंस को समझने की। ये नहीं कि अगर सरकार ने बाजार को खोल दिया और हम चल दिए बाजार की तरफ। जैसा कि हम पिछले 3-4 दिन से लगातार देख रहे हैं कि कई जगह इतनी ज्यादा भीड़ है कि हम उसमें सब कुछ भूल गए हैं। सोशल डिस्टेंस की पालना हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसी प्रकार से हम लोगों को सभी चीजों की पालना करने की आवश्यकता है, और हम लोग इन सभी की पालना करेंगे तो निश्चित रूप से कोरोना के बढ़ते पॉजिटिव केस, इनकी संख्या बढ़ रही है, उनको हम रोक पाने में समर्थ होंगे। आप सभी घर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। इसी के साथ राजस्थान की बड़ी से बड़ी खबर को जानने के लिए जुड़े रहिए ई न्यूज राजस्थान के साथ, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।